वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। कैसी हैं? आई एम गुड, फाइन। ये बताएं, आपने मेरी कॉपी की है, मैंने आपकी कॉपी की है? ना मैंने आपकी कॉपी की, ना मैंने आपकी की, ना आपने मेरी की। और वी आर लुकिंग डिफरेंट एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल। ये बताएं, ये कितने दिन की शॉपिंग करी है? टुडे आई जस्ट डन द शॉपिंग फॉर ओनली वन डे एंड वन पर्सन, एंड रेस्ट शॉपिंग ऑलरेडी आई बाय द शॉपिंग फॉर टू डेज, टू वीक्स। एंड कहाँ तक बजट रखा था शॉपिंग का? इन्फिनिटी। अच्छा ये बताएं कि जब आपको पता चला अचानक से कल रोज़ा है और पिछले साल जैसा पता चला कि कल ईद है, क्या तासुरात होते हैं लेडीज़ के? वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। रमज़ान आपको सडन ही मिले तो वह ज़्यादा अच्छा लगता है, और सडन ईद मिले तो उसी की खुशी होती है। तो लड़कियों की वजह, अगर रात को 11 बजे पर चल रहा है कि कल ईद है, तो लड़कियों ने तो पॉलेट जाना। लड़कियाँ अपनी चीज़ें पूरी कर ही लेती हैं, चाहे सडन पता चले चाहे एक दिन के बाद पता चले। मदर्स होती हैं, उन्होंने अपनी सुबह के लिए मीठा कुछ बनाना होता है, वो बेचारी रह जाती है। नहीं लेकिन वो भी ईद की खुशी में, वो चाहे रात को जागती रहे जो मर्जी करे, लेकिन वो कर लेती है। सुबह से उठ के मेहंदी सब फटाफट लगा लेती है, डन कर लेती है। फीमेल्स अपनी चीज़ें डन कर लेती है, फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ, ना महंगाई में ना अचानक ईद में। हाँ, एवरी इतना जो टफ शेड्यूल। क्या चाहती है, सरप्राइज ईद का पता चले या पता चल ही जाए हमें? जैसे अभी तो यही लग रहा है कि हमें पता है कि ईद 30 के बाद ही होगी, यानी रोजे 29 नहीं 30 होंगे। 30 होंगे, ये है। हाँ, उसका अपना मजा है, सडन के कपड़े। यानी कि ये वो लेडी जिनको सरप्राइज अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो ईद का हो जो रोजे का। लेकिन कभी कभी वैसे प्लान भी ठीक है, लेकिन सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। थैंक यू सो मच। तो जी नाजी, जैसे कि इनसे हमने बात की, ये कहना था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सरप्राइज मिलती है वो ज़्यादा अच्छी रह जाती है, क्योंकि कुछ सरप्राइज भी